जनपद की महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी प्रदेश सरकार के खिलाफ बिजनौर की शहरों पर मौन जुलूस निकाला। महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर जनपद की सैकड़ों महिलाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने मशाल मौन जुलूस निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। उधर महिला कार्यकर्त्री नुमाइश ग्राउंड से पैदल चलकर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंची। उधर सभा को संबोधित करते हुए महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष पेत्रलता शर्मा ने सभी बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी बहनें किसी के दबाव में या किसी के बहकावे में नहीं आए। साथ ही हो रहे प्रदर्शन को लेकर सभी बहनें धरना प्रदर्शन में आती रहें। प्रदेश सरकार को हमें अपनी ताकत का एहसास कराना है और आगे भी जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। कल सभी आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्त्री पद यात्रा करके बिजनौर जिला अधिकारी जगत राज त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपेंगी। कल पूरे जनपद की सभी महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री भारी संख्या में यहां पहुंचकर अपनी ताकत का एहसास प्रदेश सरकार को कराएंगी। उधर महिला आंगनवाड़ी ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि कार्यकर्त्रियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, सरकारी कर्मचारी घोषित होने तक सभी का मानदेय 15,000 रुपये तक किया जाए, मौसम के अनुरूप बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाए, साथ ही 25 वर्षों से लगातार काम कर रही कार्यकर्त्रियों को प्रमोशन भी दिया जाए। आज जो मेरी बहनें यहाँ इकट्ठी हुई है वो इसलिए हुई है कि सरकार की कानों पर अभी हमारे मानदेय बढ़ाने के लिए कोई जू नहीं रेंग रही है। आज हमें 1.5 महीना हो चुका है बराबर धरने के लिए, लेकिन फिर भी हमारी मांगों के विषय में कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये हमारी मांगें जब तक सरकार पूरी नहीं कर देती है तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। यदि मांग पूरी नहीं हुई तो हम अमरण क्या मांग है आपकी? मांग हमारी है कि 4,000 मानदेय न देकर हमको 15,000 कर दिया जाए और हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। मांग पूरी नहीं हुई आपका? मांग पूरी नहीं हुई तो अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो अमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे और अपनी जान दे देंगे, लेकिन धरना वापसी नहीं लेंगे।